नारी को सुख चौथा सुख सुख आज्ञाकारी। मेरे प्रिय जनों, हमें आपको कुछ सुख बता दिए। इन सात सुखों में हमने आपको माया का बता दिया। धन प्राप्त होता है, मान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। अब हम आपको छठवां सुख बता रहे हैं। छठवां सुख संसार का, पत्नी को सुख आज्ञाकारी होने चाहिए। नारी सुरक्षण होनी चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए। कई लोगों के पति तो बड़े धर्मपरायण होते हैं, पत्नी बड़ी खतरनाक होती है। पड़ोसी ज्यादा बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि हमको तीन दिन अभी यहाँ रुकना भी है। लेकिन बहुत से लोग हमें इससे मिलते, हम उनसे कहते हैं, एक बात बताओ, पहले तो तुम्हारी पति ठीक थी, अब खराब हो गई, तुम्हें शर्म नहीं आती? बोले गुरु जी, क्या बताए, जब से श्रीमती आई तब से अपनी मती चली। हनुमान जी को मरने के बाद क्या श्रीमती की मति ठीक हो जाएगी? बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि हनुमान जी बीच बीच में ठिकाने लगाए रहते हैं। हनुमान जी की भक्ति करने वाले का घर प्रसन्न रहता है, जो प्रसन्न रहता है। हनुमान जी महाराज कलयुग के राजा हैं, ये सब सुख देने की सामर्थ्यता रखते हैं। तो श्रीमती की भी किसी की भी पत्नी बहुत खतरनाक हो, हमारी कथा सुन लो, हमारी कथा ये सुन लो, क्या आप हनुमान जी के भक्त बन जाओ, महाराज जी के राज धारण हो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, सन्यासी तो नहीं बन जाएंगे, नहीं नहीं, गृहस्थ ही रहेंगे। तो करें क्या? तुम हनुमान जी की उपासना करोगे, पूजा करोगे, नित्य नियम करोगे, हनुमान जी के चरित्र को अपने जीवन में धारण करोगे, और जब तुम्हारे अंदर पवित्रता शुद्धता सात्विकता भर जाएगी, तो तुम्हारी पत्नी तुमको देख करके तंग रह जाएगी, कितने पवित्र है। हम अगर कुछ गलत करेंगे तो परमात्मा हमको दंड देगा, और वो डरने लगेगी तो वो भी तुम्हारी तरह बन जाएगी। लक्षणा नारी, और जब पिता ऐसा होगा तो शुद्ध आज्ञाकारी। ये छठवें सुख में पत्नी और पुत्र हमने दोनों को लिया है, क्योंकि सातवां हमें अलग बताना है। तो शुद्ध आज्ञाकारी क्या होगा? ये सुख है भैया, कोई धनवान हो, बुद्धिमान हो, बलवान हो, बहुत बड़ा मंत्री मिनिस्टर बन गया हो, मुख्यमंत्री बन गया हो, और धर्म पत्नी खतरनाक हो, तो क्या उसका बड़ा बनना किसी काम का है? या पत्नी बढ़िया हो, नाम बहुत बढ़िया हो, बड़े आदमी हो, पर बेटा खतरनाक हो, जुआ खेलता हो, बात ना मानता हो, तो क्या उसका जीवन किसी काम का है? जीते जी नरक बन जाएगा। बच्चे की मति को, बुद्धि को कैसे सुधारे? एक ही उपाय है, हनुमान जी की कारण हनुमान जी के कारण क्यों मिलेंगे? राम द्वारे